हेलो एवरीवन, दिस इज कनिशियन। अल्फा प्लस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आइए स्टार्ट करते हैं 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें क्या कहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी में, जिसमें ए बी बराबर किसके है, ए सी के है, और कोण बी और कोण सी के जो समद्विभाजक हैं वो परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए और ओ को जोड़िए और दर्शाइए कि ओ बी बराबर ओ सी और ए ओ कोण ओ ए को समद्विभाजित करता है। देखते हैं त्रिभुज किसकी बात हुई है, ए बी सी की, और त्रिभुज कैसा है, समबाहु, अर्थात उसकी तीनों भुजाएं क्या हैं, समान हैं। तो हमने एक त्रिभुज ले लेते हैं हम यहाँ पे ए बी सी, देखिए ये त्रिभुज हो गया आपका, इसको नाम दे देते हैं ए बी और आपका सी। फिर उसने क्या कहा, ए बी बराबर, जिसमें ए बी बराबर क्या है, ए सी है, ये ए बी जो है ये ए सी के बराबर है। बी और सी के समद्विभाजक, कौन बी और कौन सी के समद्विभाजक, समद्विभाजक का मतलब यह है जिस जो कौन को क्या है, समान भागों में बांटते हो, दो बराबर भागों में। तो हम यहाँ इस कौन को जब हम समद्विभाजक निकालते हैं तो उसका ये हो जाएगा आपका, और इसी तरीके से इसका क्या होगा आपका, ये सी का हो गया। ये देखिए ये आपके क्या समद्विभाजक है, अर्थात ये जो कोण होगा वो किसके बराबर होगा, इस वाले कोण के बराबर होगा। ऐसे ही ये जो कोण होगा वो इस वाले कोण के बराबर होगा। और ये कहाँ पर काटते हैं, उसने कहा बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये जो बिंदु होगा, ये बिंदु क्या होगा, ओ होगा, और उसके बाद ये कहा है कि इस बिंदु O को किसे, A से मिला दीजिए। तो हमने इसको क्या कर दिया, A से मिला दिया है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा OB बराबर OC, ये हमें सिद्ध करना है, OB को OC के बराबर सिद्ध करना है, और साथ ही AO कोण A को समद्विभाजित करता है। AO क्या है, ये AO हो गया, और ये कोण A को समद्विभाजित, मतलब ये कोण जो है बराबर लाना है इस वाले कोण के। इसका मतलब आपने यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे जो हमें ऑपरेशन मतलब ऑपरेट करना होगा वो किसको करना होगा, इन दोनों ट्राइंगल को करना होगा। क्योंकि अगर हम इन दोनों ट्राइंगल, कौन से कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल आपका ये जो त्रिभुज ओ ए बी है इस वाले त्रिभुज को, और ओ ए सी, अगर इन दोनों त्रिभुज को हम जो है ऑपरेट करते हैं और इसको जो है सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, जब हम ये दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे तो इनके जो संगत भाग होंगे वो बराबर होंगे, और संगत भाग कौन से होंगे, ओ बी जो होगा वो ओ सी के बराबर हो जाएगा, और ये जो ये वाला कोण होगा आपका ओ ए बी कोण ओ ए सी के बराबर हो जाएगा आपका, तब होगा जब ये दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे। आइए देखते कैसे सिद्ध करेंगे। अब देखिए इसमें सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए देखिए, क्योंकि ये कोण इस कोण के बराबर है, ना कि ये कोण इसके बराबर है, तो अभी अगर हम इन दोनों कोणों को बराबर कर लें, ये ए ओ उभयनिष्ठ हो जाएगी, और ए बी बराबर ए सी दे रखी है, तो ए बी ए सी के बराबर दे रखी है, ए ओ उभयनिष्ठ है, मतलब अगर मैं इस वाले कोण को इसके बराबर कर दूं तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं इसमें दिया क्या है, तो दिया है आपको एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी, समबाहु त्रिभुज ए बी सी, ए बी बराबर किसके है, ए सी के है, और साथ साथ आपका ये भी बराबर लिखिए आप, क्योंकि आपका ये कौन बी का समद्विभाजक का, कि मतलब ये जो बी ओ है या ओ बी है, और इसी तरह से कौन सी का समद्विभाजक ओ सी है, इसका मतलब ये कौन इसके बराबर है, मतलब कौन कौन सा कौन, ओ ओ बी ए जो है, कौन ओ बी ए या ए बी ओ, तो कौन ओ बी ए बराबर है कौन ओ ओ बी सी, ओ बी सी मीन्स ये कौन इसके बराबर है, और जब ये दोनों कौन बराबर हैं तो ये किसके हैं, ये बराबर, जब बराबर है तो ये क्या हो गया आपके, हाफ हो जाएगा किसका, बी का, इक्वल्स टू क्यों है, क्योंकि समान दो भागों में बांट रखा है, तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, कौन बी का क्या होगा, ये आपके आधा हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात। अब ये दोनों इसी तरीके से जो है ये वाला कौन होगा आपका, क्योंकि ये दोनों भी कौन बराबर का है, कौन से कौन, कौन ओ सी ए, कौन ओ सी ए बराबर है कौन किसके, ओ सी बी, ओ सी बी ये कौन इस कौन के बराबर है, तो ये पूरे का क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि बराबर बराबर है तो आधा आधा हो जाएगा, तो इसको हम कह सकते हैं बराबर क्या होगा, कौन सी बाई
टू। क्लियर होगी इतनी बात? ये तो आपका क्या दिया हुआ है, हमने वो लिख लिया। अब जो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? OB बराबर किसके? OB बराबर OC, और AO कोने को समद्विभाजक करता है। इट मींस क्या होगा इसका मतलब, OAB कोण OAB बराबर होगा कोण OAC के। ये सिद्ध करना है OAC, ये आपको सिद्ध करना है। ब्रैकेट में आप कह सकते हो कि AO कोने को समद्विभाजित करता है। फिर उसके बाद अब हम इसका जो है प्रूफ देखते हैं। देखिए अब इसमें हमें जो प्रूफ में, क्योंकि हमें पता है इन दोनों जो त्रिभुज हैं इनको हमें जो है सर्वांशम सिद्ध करना है, तो हमें इसके लिए ये वाला कोण इसके बराबर करने के लिए हम ये पूरा कोण, मतलब ये कहते हैं ए बी बराबर क्या है, ए सी दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी, पूरे त्रिभुज में ए बी सी में क्या है, ए बी जो है आपकी ए बी बराबर है ए सी के। अब ए बी जब बराबर है ए सी के, तो समान भुजा के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो इस भुजा के सामने का कोण कौन सी, इसके सामने का कोण कोण बी, मतलब इसका मतलब क्या, कोण बी बराबर क्या होगा आपका कोण सी। ब्रैकेट में इसका कारण भी देंगे कि समान भुजा के, समान भुजाओं के आमने सामने के कोण समान होते हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो अब ये कोण भी बराबर क्या हो गया, कौन सी क्या हो गया, अगर मैं दोनों जगह दोनों तरफ दोनों पक्षों में वन बाई टू कर दूं, वन बाई टू कोण बी लिख सकता हूं बराबर वन बाई टू कोण सी, इतना लिख देते हैं हम दोनों पक्षों में। तो अब इससे क्या होगा, 1 बाई टू कोण बी को आप क्या लिख सकते हो, 1 बाई टू कोण बी को या तो आप OBA लिख सकते हो कोण, या फिर आप कोण OBC लिख सकते हो। और हमें कौन सा लिखना चाहिए, क्योंकि हमें किसका यूज़ किसका होगा, हमें यूज़ है इस वाले कोण का, तो हम क्या लिखेंगे OBA, किसको 1 बाई टू आपका जो कोण B है उसको हम लिख सकते हैं कोण OBA बराबर होगा कोण 1 बाई टू कोण C को क्या लिखेंगे, ये वाला कोण लिखेंगे कोण OCA, OCA। क्लियर है इतनी बात, ये रहा OCA। तो अब ये दोनों कोण क्या हो गए आपके, बराबर हो गए। अब हमें कौन से त्रिभुजों को लेना है, ये त्रिभुज OAB जो है त्रिभुज है, और OAC। तो अब हम यहाँ ले लेते हैं त्रिभुज OAB व त्रिभुज OAC में, OAC में देखिए AB बराबर किसके क्या है, एक तो भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, एक कोण ये हो गया, मतलब भुजा कोण भुजा लग जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे AB किसके बराबर है, AC के। ये क्या है, ब्रैकेट में इसका कारण दे देंगे, दिया है। फिर उसके बाद कोण, कौन कौन सा, ये वाला कोण आया था अभी अभी हमने जो हमने सिद्ध किया एक तरीके से, जो है कोण OBA, कोण OBA बराबर है कोण OCA। आप यहाँ पे इसको समीकरण एक भी कह सकते हो, तो आप ब्रैकेट में लिख देना समीकरण एक से, समीकरण एक से। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब ये कोण इसके बराबर हो गया, अब उसके AO जो है भुजा, AO जो है दोनों त्रिभुजों में जो है उभयनिष्ठ है, तो AO बराबर क्या होगा, AO बराबर AO उभयनिष्ठ, अब देखिए ये S हो गया, ये A, ये S, ये भुजा कौन भुजा, तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। इसलिए त्रिभुज OAB सर्वांगसम है त्रिभुज OAC के। ब्रैकेट में इसका कारण कौन से नियम से हुआ, तो ये SAS सर्वांगसमता नियम से, SAS सर्वांगसमता नियम से। अब उसके बाद देखें, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। आप कर दीजिए कौन कौन से संगत भाग, हम कह देंगे OB बराबर किसके हो जाएगा, OC के, क्योंकि सबसे पहले हमने OAB वाला ले रखा है त्रिभुज, ये भी याद रखना है आपको। तो हमने क्या कर दिया यहाँ OB, इसलिए OB क्या होगा, बराबर होगा
OC के ब्रैकेट में CPCT से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, मतलब आपके सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट में कर देंगे CPCT से, और साथ ही हम क्या कर देंगे OB को तो OC के बराबर, साथ ही ये वाला जो कोण है ये इसके बराबर, मतलब कोण OAB, कोण OAB बराबर होगा कोण OAC ब्रैकेट में CPCT से, क्योंकि संगत भाग क्या होंगे बराबर होंगे। इस बात को आप ये भी लिख सकते हैं इसीलिए अतः, या फिर अतः कह सकते हो, अतः कोण AO जो ये AO भुजा है ये क्या है कि कोण A को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करती है। क्लियर होगी इतनी बात? तो यहां से आपका ये वाला पार्ट भी हो गया कि OB बराबर OC और AO कोण A को जो है समद्विभाजित करता है, तो ये भी हो गया आपका हेंस प्रूफ इति सिद्धम। तो इसमें आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।